को नमस्कार। आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है। देखिए, 16 जुलाई मंगलवार को भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी महेंद्रगढ़ आ रहे हैं और तीसरी बार की सरकार बनने के बाद ये पहला उनका दौरा है। महेंद्रगढ़ ने भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र की सरकार हो, पिछले 10 साल में पूरा पूरा साथ दिया है, पूरा पूरा सहयोग किया है। हरियाणा में सरकार बनाने में भी महेंद्रगढ़ जिले का, महेंद्रगढ़ का पूरा साथ रहा है और देश की सरकार बनाने में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ महेंद्रगढ़ ने तीनों बार, यानी कि 2014, 2019 और 2024 में अपना पूरा पूरा साथ और सहयोग दिया है। जहां तक जानकारी मिली है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी एक ओबीसी सम्मेलन को संबोधित करने के लिए महेंद्रगढ़ के केंद्रीय विश्वविद्यालय में पहुंच रहे हैं। तो हम पिछले 10 साल में जो भारतीय जनता पार्टी ने महेंद्रगढ़ की जनता से वादे किए, पिछले 10 साल में जो राज्य की सरकार ने वादे किए, एक बार याद दिलाना चाहेंगे केंद्रीय मंत्री जी को कि हमने आपके वादों के को ध्यान में रखते हुए महेंद्रगढ़ ने जिस तरह पूरा पूरा सहयोग दिया है, उसके बावजूद भी ओबीसी समाज को और ओबीसी समाज के साथ साथ चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे वो SC ST समाज हो, चाहे वो जनरल समाज हो, सभी ने पूरा पूरा साथ सहयोग दिया। लेकिन आपकी तरफ से ना तो ओबीसी समाज का भला हुआ, जिसका आप सम्मान बढ़ाने के लिए या जिनके साथ आप सम्मेलन करने आ रहे हैं, ना तो आपने जनरल समाज को, ना आपने SC ST को, पिछड़े वर्ग को, किसी तरह का भी जो वादा किया उसको आपने पूरा किया। एक कुछ प्रमुख समस्याएं महेंद्रगढ़ की हैं जो हम आपके बीच में रख रहे हैं, जो आपके कार्यकाल में महेंद्रगढ़ के सभी समाज जिनका इंतजार कर रहे हैं, जो अभी तक आपकी घोषणाओं के बाद भी लंबित है। एक सबसे बड़ी समस्या जिससे मैं शुरुआत करने जा रहा हूं वो महेंद्रगढ़ की है, जिला मुख्यालय की मांग को लेकर। महेंद्रगढ़ की जनता को आज तक, महेंद्रगढ़ एक सबसे पुराने जिलों में, सबसे पुराना जिला होते हुए भी मुख्यालय का इंतजार कर रहा है। बार बार आपके नेता जब भी चुनाव लड़ते हैं, चाहे वो हमारे प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी विधायक का चुनाव लड़े हो, चाहे यहाँ से चौधरी धर्मवीर सिंह जी सांसद का चुनाव आपके चुनाव चिन्ह पर आपकी पार्टी से लड़े हो, सबने एक वादा किया है कि महेंद्रगढ़ में जिला मुख्यालय स्थापित होना चाहिए, महेंद्रगढ़ का ये अधिकार है। लेकिन 10 साल तक बार बार वोट देने के बावजूद भी आज तक महेंद्रगढ़ के जिला मुख्यालय की तरफ आपकी सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया। अनेकों संगठनों ने, सामाजिक संगठनों ने, क्षेत्रवासियों ने अपने तरीके से मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में इस समस्या को बार बार रखा है, अब तक किसी प्रकार का कोई सकारात्मक कदम मुख्यमंत्री जी की तरफ से नहीं आया। एक IMT के रूप में एक परियोजना जिससे कि महेंद्रगढ़ प्रगति कर सकता था, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सकता था, इस इलाके में डेवलपमेंट के रास्ते खुल सकते थे, वो कांग्रेस कार्यकाल के बाद, कांग्रेस कार्यकाल में घोषणाओं में थी। आपके कार्यकाल में आने के बाद आपने ये वादा किया कि इस IMT का निर्माण कराया जाएगा। 2019 के चुनाव के वक्त आपकी पार्टी ने, प्रदेश के नेताओं ने ये वादा किया था कि अब इसका जो पत्थर है, जो स्टोन लेइंग सेरेमनी है, वो कर दी गई है और अगली योजना में आप वोट देंगे, सरकार बनेगी तो महेंद्रगढ़ में IMT का निर्माण कराया जाएगा। आज 2024 में बैठे हैं, आपका वो पत्थर जहां लगा था वो पत्थर भी वहां से गायब है और किसी तरह का IMT का जो काम वादों में जो कहा गया था वो आज तक जमीन पे पूरा नहीं किया गया। ये सवाल आपसे भी है और ये निवेदन है आपसे कि आप अपने मुख्यमंत्री से ये सवाल पूछें और महेंद्रगढ़ की जनता से जिस तरह वादा करके वादा खिलाफी की गई है उसका जवाब मांगे। तीसरी बात जो हम कहते हैं, आप केंद्रीय विश्वविद्यालय में आ रहे हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय को 10 साल लगभग हो गए हैं, आज तक उसमें दोबारा बजट देने का काम, यानी कि उसको आगे बढ़ाने का काम आपकी सरकार ने नहीं किया। एक बहुत बड़ी परियोजना कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में मेडिकल कॉलेज की स्थापना होनी चाहिए, इसकी मांग क्षेत्रवासियों की शुरुआत से रही है
और आपके नेताओं ने, मैं याद दिला दूं पिछले ही चुनाव में यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में चौधरी धर्मवीर सिंह जी ने ये प्रमुखता से कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता जो है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय में मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराने की है। तो आज अब जब आप आ रहे हैं और केंद्रीय विश्वविद्यालय में ही आ रहे हैं तो आपसे हम ये उम्मीद करते हैं सारे क्षेत्रवासी कि चौधरी धर्मवीर सिंह जी का जो वादा है वो आप पूरा करके जाएंगे। तीसरी जो बड़ी बात है वो ये है कि महेंद्रगढ़ क्षेत्र में खेल परियोजनाओं को लेके, खेल की व्यवस्थाओं को लेके स्टेडियम का बहुत लंबे समय से इंतजार है। ये इलाका, यहाँ के नौजवान खेलों में बहुत रुचि रखते हैं। आपके सरकार में मंत्री, आपके नेता ये वादा भी बार बार करते हैं लेकिन महेंद्रगढ़ में जो खेल व्यवस्था है वो चरमराई हुई है। कोई स्टेडियम पूरे जिले के अंदर नहीं है। महेंद्रगढ़ में एक स्विमिंग पूल बनकर तैयार है। आप अपने मंत्रियों से पूछे कि राज्य सरकार के पैसे का दुरुपयोग इस तरह से क्यों किया जा रहा है। एक स्विमिंग पूल बनके तैयार, आज तक उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं डाली गई, आज तक वो यहाँ के नौजवानों के काम नहीं आ सका। एक बैडमिंटन कोर्ट बनके तैयार है, आज तक वहाँ किसी नौजवान ने बैडमिंटन नहीं खेल के देखा। वहाँ गेट पर ताला जड़ा है, उसके अंदर जाले लगे, उसकी नए बनने के बाद आज व्यवस्था जो है वो खंडर हालत में जाती जा रही है लेकिन वो आज तक कभी भी नौजवानों के काम नहीं आया। एक ट्रैक की मांग जो लंबे समय से नौजवान कर रहे हैं वो भी आज तक नहीं मिल पाया। तो ये खेल की व्यवस्था पे आपकी सरकार कोई काम नहीं कर रही, महेंद्रगढ़ के नौजवानों के साथ खिलवाड़ कर रही है। इसका भी जवाब आपको मुख्यमंत्री से लेना चाहिए, ये भी हम आपसे निवेदन करते हैं। महेंद्रगढ़ के अंदर आपकी सरकार में एक 200 बेड का एक सरकारी अस्पताल जिसमें 100 बेड और साथ में ट्रॉमा सेंटर की बात कही गई, 7 मंजिला बिल्डिंग की बात कही गई जो 2023 में पूरा करके जनता के काम आना शुरू हो जाना चाहिए था, वो आज तक लंबित चल रहा है, उसका सिविल वर्क पूरा नहीं हो सका है और दोबारा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उतरने जा रही है। तो हम ये कहते हैं कि चुनाव से पहले आपका किया हुआ वादा पूरा होना चाहिए और नहीं पूरा हुआ है तो जनता के सामने उसके कारण स्पष्ट करने चाहिए। आपको अपनी सरकार से ये सवाल भी पूछना चाहिए। एक हरियाणा रोडवेज की परियोजना महेंद्रगढ़ में वादे के रूप में सब डिपो महेंद्रगढ़ में स्थापित करने का काम हरियाणा की सरकार ने किया। यहाँ 7 करोड़ की लागत से सब डिपो का भवन बनकर तैयार है लेकिन 3 साल बीतने के बावजूद भी आज तक उसको शुरू नहीं किया गया है, उसको जनता के इस्तेमाल में नहीं लाया गया है, उस सब डिपो को चालू नहीं किया गया है। खूब संगठनों ने इस पे बात अपनी रखी भी है, यहाँ के क्षेत्रवासियों ने SDM के माध्यम से, DC के माध्यम से मुख्यमंत्री को चेताने की कोशिश भी की है लेकिन आज तक उस पर भी आपकी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार चुप्पी साधे हुए है। इस पर भी हम चाहते हैं कि आपका ध्यान जाना चाहिए। एक बहुत बड़ी बात जो पूरे हरियाणा का विशेष मुद्दा है उसमें महेंद्रगढ़ भी शामिल है, वो है रोजगार का मुद्दा। हरियाणा सरकार ने CET परीक्षा में पूरे प्रदेश भर के नौजवानों को उलझा के रखा हुआ है। पूरे प्रदेश भर का नौजवान आज 5 साल से बेरोजगार घूम रहा है। आपकी सरकार मनमाने तरीके से CET परीक्षा और उसके बाद मेंस परीक्षा और उसमें अनेक तरह के प्रावधान लगाती है, हटाती है, जो कि कोर्ट में जाके एक चैलेंज के रूप में सरकार के सामने भी खड़ा हो जाता है और छात्रों के भविष्य के सामने भी खड़ा हो जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि जो लंबित भर्तियां हैं, जो सरकार के 2 लाख से अधिक पद खाली हैं, आपकी सरकार में पिछले 10 साल में राज्य की सरकार उनको भर पाने में विफल रही है। तो आप अपने मुख्यमंत्री से भी ये सवाल पूछें और हरियाणा के नौजवानों के साथ इंसाफ करें, विशेष तौर पे महेंद्रगढ़ जिसने 100% योगदान आपको दिया है उसके साथ इंसाफ करें। यहाँ के रोडों की हालत, यहाँ पर विकास की हालत, यहाँ के नगर में जिस तरह की यह व्यवस्था है, जिस तरह से विकास का इंतजार लोगों के नगरवासियों को है, आज 2 साल हो गए आपके सिंबल पर आपकी पार्टी के चेयरमैन को महेंद्रगढ़ की जनता ने मत समर्थन दिया, उनको कुर्सी पर बिठाया लेकिन 2 साल से वो एक ईंट लगाने का भी काम नहीं कर पाए। तो इस तरह की निष्क्रिय राजनीति भारतीय जनता पार्टी महेंद्रगढ़ में कर रही है, इसका सवाल आप नगर के चेयरमैन से भी पूछें, राज्य की सरकार से भी पूछें और आश्वासन दें। आप आए हैं तो जवाब दें, महेंद्रगढ़ की जनता को भरोसा दिलाएं कि कार्यकाल पूर्ण होने से पहले आप इन सब बिंदुओं पर काम करना शुरू करेंगे। महेंद्रगढ़ ने, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, कि आपका पूरा पूरा साथ और सहयोग दिया है। आपको मजबूरन
आपने जो वादा खिलाफी की, आपके कार्यक्रम जब महेंद्रगढ़ में विफल होने लगे, जिस तरह से आपकी पार्टी के नेता हारने लगे, 2019 में आपके विधायक को मंत्री होते हुए, सिटिंग मंत्री होते हुए हार का मुंह देखना पड़ा, आज आपके सांसद जिनको यहां से चुनकर भेजा तो गए, लेकिन जो फासला वोटों का हुआ करता था उनकी जीत का, वो बहुत कम कर दिया गया, आज वो मात्र 40,000 पे रह गए जो कभी 6 लाख से जीता करते थे। तो इसको देखते हुए आपको समझ जाना चाहिए कि महेंद्रगढ़ के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जिस तरह से खड़े थे, अब नहीं खड़े, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पाई है। आज आपको ये कार्यक्रम केंद्रीय विश्वविद्यालय की 4 दीवारी में करना पड़ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से मुंह मोड़ चुकी है। अगर आपके कार्यकाल में, यानी कि राज्य सरकार के इस 3 महीने बचे हुए कार्यकाल में ये सारे वादे पूरे नहीं होते, तो महेंद्रगढ़ की जनता की तरफ से, यहाँ के सामाजिक संगठनों की तरफ से और आम आदमी पार्टी की तरफ से मैं ये बात कह रहा हूँ कि आपको आगे केंद्रीय विश्वविद्यालय में भी कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं मिल पाएगी, आप कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे, यहाँ की जनता आपके साथ खड़ी नहीं होगी, आपको कहीं महेंद्रगढ़ से दूरी महेंद्रगढ़ का बोर्ड लगा के कार्यक्रम करने पड़ सकते हैं। इस वक्त पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक माहौल है। आज एक बहुत बड़ी बात मैं आपके सामने और रख रहा हूँ कि कल मुख्यमंत्री जी ने आपके इस कार्यक्रम की व्यवस्थाओं का दौरा करने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय में शिरकत की। महेंद्रगढ़ के सभी मीडिया के साथी, चाहे प्रिंट मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, वेब मीडिया हो, सबकी एक मांग जो कि 2023 में राज्य सरकार द्वारा मंजूर कर दी गई थी कि हमारे उपमंडल पर मीडिया के लिए एक मीडिया ऑपरेशन सेंटर, यानी उनको दिया जाना चाहिए, मीडिया सेंटर उनको दिया जाना चाहिए, और इसके लिए एक लिखित आदेश मुख्यमंत्री जी की तरफ से हमारे उपमंडल अधिकारी को भी भेजा गया कि महेंद्रगढ़ के लघु सचिवालय में एक मीडिया सेंटर स्थापित किया जा सके, ताकि जिससे कि मीडिया के सभी साथी अपने काम को सुचारू रूप से चला सके। कल उसी लंबित मांग को 1 साल में पूरा ना कर पाने के बावजूद जब उस कमी को देखते हुए मीडिया के साथी मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने पहुंचे, तो एक बहुत शर्मनाक तरीके से आपकी राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने उन्हें गेट से लौटा दिया। यानी कि आम जनता तो अव्यवस्थाओं को झेल ही रही है, आम जनताओं को तो तकलीफ का सामना करना ही पड़ रहा है, लेकिन भारत के संविधान के 4th स्तंभ यानी कि मीडिया के साथ इस तरह का बर्ताव, तो यानी आप किसी की आवाज नहीं सुनना चाहते, किसी को आप जवाब देना नहीं चाहते, इस तरह का रवैया लगातार आपके लिए मेरे ख्याल से भविष्य में आपके खिलाफ ये साबित होगा, आपके खिलाफ जो जनता, आपके खिलाफ जो मीडिया है, आपके खिलाफ जो एक एक व्यक्ति है वो खड़ा हो जाएगा। अब अंत में आपसे हम ये मांग कर रहे हैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, क्योंकि हम जिस तरह से मीडिया के साथ ही आपसे नहीं मिल सके, तो मुझे लगता है कि कोई भी आपसे मिलकर बात नहीं कर पाएगा। आप ये 4 दीवारी के अंदर कार्यक्रम करके जिस तरह से मुख्यमंत्री कल उतरे और वहीं की वहीं से वापस चले गए, किसी से महेंद्रगढ़ वासियों से बात नहीं की, इसी तरह आप भी आएंगे और औपचारिकता कर निकलने का प्रयास करेंगे, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से इन सभी समस्याओं पर आपसे जवाब चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि आपके बचे हुए कार्यकाल में, राज्य सरकार के कार्यकाल में इन सब लंबित वादों को आप पूरा करें। डॉक्टर साहब, जिस तरह से बीजेपी का जो कार्यक्रम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, और पिछले 5 दिन से वहाँ पढ़ाई वो बाधित हो रही है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या बिल्कुल ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी को कहीं राजनीति का अड्डा नहीं बना? बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और दुरुस्त फरमाया कि जिस तरह से केंद्रीय विश्वविद्यालय को आपने एक राजनीतिक कार्यक्रम का केंद्र बनाया है, हम समझते हैं कि स्कूल को, अस्पताल को, जो भी सार्वजनिक जगह है, अब जहां पर मेरे ख्याल से हजारों हजार बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, 3 दिन से आपके कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को लेकर वहां छात्रों को अव्यवस्था हो रही है, तो इस तरह के कार्यक्रम के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय का इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत है। और ये भारतीय जनता पार्टी इस तरह के कार्यक्रम जनता के बीच में करे तो फिर जनता जवाब भी पूछ सकते, सवाल भी पूछ सकती है। इस तरह से राजनीतिक अड्डा बनाना केंद्रीय विश्वविद्यालय को, इसके लिए हम इसके खिलाफ बात भी कर रहे हैं, और हम इसमें किसी भी तरह की जो बात आपने कही है, जिस तरह का आपका सवाल है कि हम समर्थन नहीं करते कि इस तरह से केंद्रीय विश्वविद्यालय में राजनीतिक कार्यक्रम होने चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को इससे बचना भी चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया।